एक बार एक स्कूल में दो दोस्त पढ़ा करते थे। एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम अक्षय था। उस स्कूल से रात को डरावनी आवाज़ें आया करती थी, जिन्हें सुनकर अक्सर गांव वाले डर जाया करते थे। दिन में स्कूल में कुछ नहीं होता था, इसलिए बच्चे दिन में वहां पढ़ने जाया करते थे। एक दिन राहुल अक्षय से कहता है, अरे भाई अक्षय, ये ऊपर वाली क्लासरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, क्यों ना दरवाजा खोलकर देखें कि इस क्लासरूम में ऐसा क्या है जो इसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अरे ना भाई ना, मैं नहीं जाने का कहीं भी। पापा कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं, वहाँ गए तो वो भूत हमें मार डालेगा। हा, अरे तेरे पिताजी भी ना बहुत अंधविश्वासी हैं। अरे भूत जैसा कुछ होता है क्या? मैं तो कहता हूँ चल चल कर देखते हैं, आखिर उस क्लास में ऐसा क्या है जो वहाँ सब जाने से डरते हैं। लेकिन अक्षय राहुल की बात पर ध्यान नहीं देता। शाम को राहुल और अक्षय अपने दो दोस्तों के साथ मिलते हैं। वहाँ पर राहुल अक्षय का काफ़ी मजाक बना देता है और बाकी के दोनों दोस्त भी अक्षय पर बहुत हंसते हैं। अगले सुबह स्कूल में अक्षय राहुल से कहता है, कल तूने मेरा बहुत मजाक बनाया था ना, आज हम दोनों उस कमरे में जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, हम लोग उस कमरे में रात को जाएंगे। रात का नाम सुनते ही राहुल घबरा जाता है और बोलता है, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, रात में वहाँ कहाँ जाएंगे, रात में तो वहाँ से डरावनी आवाजें आती हैं। अरे तुम तो बहुत बहादुर बन रहे थे, अब क्या हुआ, हवा निकल गई तुम्हारी, बोलो तो चले उस कमरे में। अक्षय की चुनौती भरी बातों को सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो रात को उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल में ही छिप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। अरे भाई अक्षय, हम ठीक तो कर रहे हैं ना, कहीं वहाँ सच में बहुत डरावनी चुड़ैल हुई तो? भाई डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब रुक ही गए हैं तो देख ही लेते हैं कि आखिर उस क्लास में क्या है। तभी वहाँ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और राहुल और अक्षय डर जाते हैं और वहाँ से घर की ओर भागने लगते हैं कि तभी अचानक उस कमरे से किसी चुड़ैल की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं और क्लास की तरफ चल देते हैं और वहाँ एक चुड़ैल को नाचते हुए देखते हैं। अरे ये तो एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल राहुल और अक्षय दोनों को देख लेती है। चुड़ैल को देखते ही वो दोनों वापस भागने की सोचते ही हैं कि अचानक से चुड़ैल दोनों के सामने आ जाती है और कहती है, अरे तुम तो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, अब तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन जैसे ही चुड़ैल अक्षय को कैद करती है, राहुल वहां से भाग निकलता है। राहुल भागते भागते गांव पहुंच जाता है और गांव पहुंचकर गांव वालों को सारी कहानी बताता है। राहुल की बात सुनकर अक्षय के पिताजी बोलते हैं, अरे तू हमरे बिटवा को कहाँ छोड़ आया है, तुम दोनों वहां गए ही क्यों थे? यह कहकर गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा सारी बात सुनकर कहता है, स्कूल में एक पेड़ है जिसके नीचे एक औरत की लाश खड़ी हुई है, उस औरत की लाश को निकाल कर जलाना होगा। इतना सुनकर सभी लोग स्कूल जाते हैं और पेड़ के नीचे से उस लाश को निकाल कर जला देते हैं। लाश के जलते ही चुड़ैल भी जल जाती है और अक्षय भी आज़ाद हो जाता है।